हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं हूं सुशांत, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों जिस तरह से अभी आज 4 दिसंबर है और हमारे उड़ीसा को साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, और बहुत तेज़ी तूफान है इस आने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत चिंता में हूँ कि किस तरह से हमारा वार्ड जो है उस किस तरह से महफूज रहे, क्योंकि बहुत ज़ोर से हवा भी चल रहा है। ये आप देख सकते होंगे धीरे धीरे करके हवा बढ़ना शुरू हो रहा है और बारिश भी धीरे धीरे तेज़ हो रही है, और तो इसीलिए मैं अपने वार्ड फार्म को काफ़ी अच्छी तरह से मैं ढक दिया हूँ और थोड़ा कुछ करने के लिए बाकी है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मैं पूरा पॉलीथीन पे ये कवर कर दिया हूँ और थोड़ा बहुत इसको बांधना है, जिस तरह कि अगर तूफान या जोर से हवा चले तो ये इनका कुछ नुकसान ना हो। मेन चीज होता है कि दोस्तों इसमें कि बाढ़ के जो हवा चलते हैं, अगर हवा लगता है बाढ़ को तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि बारिश तो इतना प्रॉब्लम नहीं करता है जितना हवा करता है, क्योंकि हवा आएगा तो बहुत सारा नुकसान भी कर देता है। तो इस तरह पे यहाँ पे पीछे भी देख सकते हैं, मैं भी यहाँ पे भी पॉलीथीन पे कवर किया हुआ हूँ और पूरा ही फार्म को मैं कवर करके रखा हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते होंगे। और दोस्तों मैं भी आपको एक ही बात बताऊंगा, दोस्तों अगर आपके वार्ड फार्म कोई आउटडोर पे हो तो कोशिश कीजिए कि उनको किसी चीज़ से ढक के रखिए अच्छी तरह से, मतलब कि पूरा ही प्रिकॉशन पूरा ही रखे, क्योंकि तूफान किस तरह से होने वाला है किसी को भी कोई पता नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप भी पूरा ही मतलब कि तैयार होके रहे कि जिस तरह से आपके बार्स और जितने भी पेड़ से उनके कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं आपको मैं बार्ड फार्म के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं क्या मतलब कि रेडी करके रखा हुआ हूँ। तो दोस्तों चलिए हम पहले चलते हैं वार्ड फार्म के अंदर। ये आप देख सकते होंगे दोस्तों, मैंने सुबह अभी बार्ड्स लोगों को खाना अभी दिया हुआ था और ये अभी अपना खाना वाना खा रहे हैं सारे के सारे। और दोस्तों काफ़ी ठंड भी यहाँ पे था इस में जब आया, और अभी मेंटेन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने रूम हीटर लगाया हुआ हूँ और ये चल रहा है, आप देख सकते होंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो चलिए अभी हम इनको बंद कर देते हैं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दोस्तों आप लोगों को बल्ब लगाएं, 200 वाट का या 100 वाट का बल्ब लगाएं, या फिर रूम हीटर कुछ एक लगाएं, जिस तरह के वाट फार्म में अपने फार्म में या फिर अपने जो बाढ़ हो या जो भी फेड्स हो उनके जो अंदर जो टेम्परेचर वो बना रहे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पास वाले एक बेल का आइकन आएगा उसमें भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में।